मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। औरत के रोल में खुश है विभूति नारायण, 55 साल की उम्र में मिली पहचान। टीवी इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा आसिफ शेख तकरीबन 35 साल से काम कर रहे हैं। इन दिनों आसिफ सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति नारायण का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। आसिफ शेख के लिए विभूति नारायण का किरदार बेहद खास है। आसिफ शेख ने बताया, इस शो ने मुझे नई जिंदगी दी है, जहां मेरी उम्र में लोगों को पापा चाचा के रोल मिलते हैं। यही सोचकर 55 साल के एक्टर को खुद को समझाना पड़ता है। मैं भी कभी ये उम्मीद रखता था, खुद को इसके लिए तैयार करने लगा था कि अब तो कुर्ता पहनकर लीड एक्टर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन विभूति नारायण का रोल मेरी सोच से भी आगे का है। एक्टर ने बताया, मैं घर जाता हूँ, फैमिली के साथ बैठता हूँ, दूसरे दिन फिर शूट पर निकल जाता हूँ। बच्चे कहते हैं कि आप 55 साल के हो गए हैं, अब आराम करें, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, जो कभी जिंदगी में नहीं मिला वो अब मिल रहा है। मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, मुझे नाम शोहरत पैसा सब कुछ इस शो से मिला। मैं उस उम्र तक काम करूंगा जब तक मुझे अपने डायलॉग्स याद रह सकेंगे। भारत में शादी की चर्चा, मालदीव्स में शीर्ष आसन कर रही है मलाइका अरोड़ा। मलाइका की वैकेशन की नई तस्वीरें रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मलाइका इन दिनों बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने मालदीव गई हुई हैं। मलाइका की तस्वीरें देखकर ये तर्क इसलिए भी ज़्यादा पुष्ट लगता है क्योंकि कई तस्वीरों में वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा की कुछ बिकनी वाली तस्वीरें आई थीं जो सोशल मीडिया पर खूब लाइक और शेयर की गई। अब उनकी नई तस्वीरों में वो योगा करते हुए नजर आ रही हैं। समंदर किनारे गर्लफ्रेंड शिवानी संग दिखे फरहान अख्तर। फरहान अख्तर पत्नी अधुना से तलाक लेने के बाद शिवानी दांडेकर संग रिलेशनशिप में काफी आगे बढ़ चुके हैं। दोनों स्टार्स की रोमांटिक केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर अक्सर नजर आती है। बॉलीवुड के लव बर्ड्स फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर की छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में फरहान अख्तर गर्लफ्रेंड शिवानी संग समंदर के पानी में छुट्टियां मनाते दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीरें कहाँ की और कब की हैं इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। बता दें, साल 2018 में फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर की बॉन्डिंग की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद फरहान और शिवानी ने नया साल मनाते हुए चुनिंदा पोस्ट शेयर किए। इन तस्वीरों के साथ दोनों ने अपने रिलेशन की खबरों पर मुहर लगा दी थी। ब्लैक साड़ी पहन हिना खान ने शेयर की तस्वीर। हाल ही में एक बार फिर हिना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल हिना ने अपना फोटोशूट करवाया है, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में हिना ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही हैं। हिना ने ब्लैक क्रॉप ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है। तस्वीरों में उनका सेक्सी और ग्लैमरस लुक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है। वो हॉट अंदाज में पोज भी दे रही हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कैफे के बाहर स्पॉट हुई मालविका राज। हाल ही में मुंबई के कैफे के बाहर मालविका राज को स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने पिंक कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। आपको बता दें कि मालविका राज ने कभी खुशी कभी गम में बचपन का रोल प्ले किया था। फिल्म में मालविका को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। मालविका बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। मालविका एक्टर डैनी के बेटे रिंजिंग के अपोजिट एक्शन थ्रिलर फिल्म स्क्वाड में नजर आएंगी। ओमान एयरपोर्ट पर हॉट लुक में स्पॉट हुई नौरा फतेही। एयरपोर्ट बॉलीवुड का एक और रैंप वॉक बन गया है, जिसमें सभी सेलेब्स अपने लुक को दर्शाते हैं। वहीं दिलबर गर्ल नौरा फतेही को ओमान एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने रेड और व्हाइट कलर का ट्रैक सूट पहना था। आपको बता दें कि नौरा जल्द ही वरुण और श्रद्धा की फिल्म स्ट्रीट डांसर में नजर आएंगी। क्या खेसारी निरहुआ पहुंचे कपिल के शो में, वीडियो हुआ वायरल। छोटे पर्दे के पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में जल्द ही भोजपुरी के मशहूर सितारे खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, आम्रपाली नजर आने वाले हैं। हालांकि इन सितारों के आने की जानकारी को अब तक ऑफिशियल नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर भोजपुरी सितारों संग हाल ही में हुई शो की शूटिंग के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में कपिल शर्मा के साथ भोजपुरी सितारे खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, आम्रपाली और प्रिया चटर्जी नजर आ रहे हैं। उनके साथ कपिल शर्मा की टीम के सदस्य चंदन प्रभाकर, अर्चना पूरन सिंह, कीकू शारदा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शूटिंग किस दिन की है इस बात का खुलासा नहीं हुआ। वायरल हो रहे भोजपुरी सितारों संग कपिल के शो के वीडियो देखकर ये साफ है कि जल्द ही ये शो ऑन एयर किया जाएगा। बता दें, कुछ दिनों पहले मनोज तिवारी संग दिनेश लाल यादव कपिल शर्मा शो में अपनी क्रिकेट टीम के प्रमोशन के लिए आए थे। ऐसा पहली बार होगा जब भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारे एक साथ कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे। कियारा आडवाणी ने फिल्म कबीर सिंह की शूटिंग की कंप्लीट।
फिल्म कबीर सिंह में नजर आने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने इसकी शूटिंग पूरी कर ली है। रोमांस से भरपूर इस फिल्म में वो शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। कियारा ने कहा, फिल्म 21 जून को रिलीज होगी, हमने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, हालांकि एक छोटे से हिस्से की शूटिंग बाकी रह गई है। ये शानदार अनुभव रहा और मैं इसकी रिलीज का इंतजार कर रही हूँ। फिल्म कलंक के गीत बाकी सब फर्स्ट क्लास है में वरुण धवन के साथ कियारा की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया जा रहा है। अभिनेत्री ने भविष्य में वरुण के साथ फिल्म करने की उम्मीद जताई है। भोजपुरी के बाद अब बॉलीवुड में छाई मोनालिसा। भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अंतरा विश्वास उर्फ मोनालिसा का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो मोनालिसा की फिल्म हंसा एक संयोग के एक गाने भोले बलमा का है। बता दें, बड़े पर्दे के साथ साथ मोनालिसा छोटे पर्दे पर भी धमाल मचा रही हैं। मोनालिसा इन दिनों स्टार प्लस के शो नजर में डायन के रोल में नजर आ रही हैं। मोनालिसा के इस अंदाज को उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। हाल ही में मोनालिसा ने अपने शो नजर के एक एपिसोड में कैटरीना कैफ के फेमस डांस नंबर चिकनी चमेली पर जबरदस्त डांस किया था। उनके इस डांस नंबर पर उनके फैंस ने मोनालिसा की जमकर तारीफ भी की थी। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।